लंबाई है 41 इंच, और ये हम आपको जो है फ्रॉक बनाना बता रहे हैं कलियों वाली 6 इंच की हमारी कली है। साढ़े 6 इंच का यहाँ से लगाया और 6.5 इंच का हमने यहाँ से निशान लगाया है। ये देखिए दोनों तरफ से हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, और अब ये ऐसे रख कर, और जो यहाँ ऊपर 6.5 का लगाया, नीचे 6.5 का लगाया, उसी के ऊपर जो है हम ये रखकर स्टेप। अब ये जो है 15.5 का यहाँ से है, ये देखिए 15.5 का यहाँ से, और जो है 6.5 का यहाँ से, और नीचे हम जो ये 6.5 का लिया वहाँ से, जो 15.5 का नीचे से लिया, ऊपर से 6.5 का नीचे से जो है 15 का लिया, इस पर हम निशान लगा के, और जो है हम ये सीधी लाइन लगा लेंगे और इसको कटिंग करेंगे। अब ये देखिए अभी हम कटिंग करेंगे, यहाँ से जो है 6.5 का है और यहाँ से जो है 15.5 का है, ये हम कली निकाल लेंगे। ये हमारी कली निकल चुकी है, ये हमारी तिरछी कली निकल चुकी है। देखें यहाँ से ये हमारा घेर है, और यहाँ से ये देखें इस तरीके से निकली है जो है। ये देखिए हम थोड़ी सी जो है इसकी गुलाई देंगे, ये देखिए, और ये जो छोटा हमारा थोड़ा सा हो रहा है, इधर हम थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये हमने सीधा पीस लिया था, सीधा निकाला था 9 इंच का, ये मैंने आपको दिखाया था निकालते हुए, ये 9 इंच का हमने ये निकाला है, और ये बीच में लगेगा हमारे, और जो ये दोनों तरफ जैसे ये बीच में लगकर आगे पीछे, और ये जो कलियाँ हमने काटी है, दो ये कलियाँ लगेगी आगे और दो पीछे ये कलियाँ लगेगी, इस तरीके से ये कलियाँ लगेगी इसके अंदर। और ये कलियाँ लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ, कलियाँ लगाना मैंने पहले भी दिखाया था आपको, लेकिन अब मैं लगाकर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए अब जो हमारी कली लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा तिरछा कैसे, आप यूँ करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये देखें इसमें जो है आपकी ये झोल आ रहा है थोड़ा सा, और जो अगर सीधी साइड होगी वो आपकी बिल्कुल सीधी, ये देखिए बिल्कुल सीधी रहेगी और ये मुड़ेगी नहीं। देखें अब जो है हम तिरछी साइड लगाएंगे सीधी साइड पे इस तरह से। अब मैं ये पूरा आपको कलियाँ जोड़कर दिखाती हूँ, ये फ्रॉक का घेर होगा, अगर आपको सही नज़र आ रहा है तो देखें, सीन की लंबाई है हमारी 21.5 इंच, और अब हम इसको कटिंग करना आपको बताते हैं। ये देखिए थोड़ी सी गुलाई शेप में ये कटेगी, और जो है ये हम इसकी जो नीचे का जो सीन होगी वो हम पूरी रखेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला बनेगी। ये देखिए थोड़ा सा हम कटिंग लेकर, इस तरीके से ये 1 इंच के ये आ जाएगा, और इस तरीके से तिरछी हम सिलाई करेंगे। अब मैं आपको मिलती हूँ ये सारा करने के बाद।